मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी अष्ट दोष अर्चना अर्चना गुप्ता आपके सभी समस्याओं का आपको निराकरण देती हूँ डेली वीडियोस में। मेरे डेली के वीडियोस अगर आप देख रहे हैं और आप उन्हें कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये कितने लाभकारी हैं। जीवन में चल रही कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसी समस्या जिसका कि आपको निदान नहीं मिल रहा है और दिनों दिन आप घुलते चले जा रहे हैं, मानसिक तनाव है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पत्नी से नहीं बन रही है, बच्चों से नहीं बन रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपके सोचे हुए काम हो ही नहीं रहे हैं, उनमें कोई गति नहीं आ रही है, कर्ज में फंसते जा रहे हैं, कैसा भी कोई भी आपको मानसिक तनाव हो, इस मानसिक तनाव से बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पूजा पाठ के आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसका मैं ये आपको सटीक उपाय देती हूँ। कहने का तात्पर्य जो मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, निगेटिविटी को दूर करते हैं। बहुत बार दोस्तों आपको नज़र टोक लग जाती है, बहुत बार आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, कुंडली का आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, बहुत बार आपकी दशाएं ऐसी चल रही होती हैं जो आपको मानसिक तनाव देने लगती हैं। जब नियमित आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने लगते हैं, आपके वो निगेटिव ग्रह आपके पॉजिटिव होने लगते हैं और आपकी क्लीन होने लगती है, यानी कि जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर जाने लगती है, नज़र टोक और ये सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों ये जो मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आज ही पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है सुबह 10:40 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:43 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको आधा कटोरी दही ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए। शहद नहीं है तो आप इसमें मिश्री भी मिक्स कर सकते हैं और ये भी नहीं तो आप इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। ईस्ट को अर्पित कर दीजिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप इसको ऐसे ही नाश्ते में सेवन कर लीजिए। तो आज आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपका धन से संबंधित कोई भी कार्य उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का जो जादुई अक्षर है गजानन वाला गा, इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय देने जा रही हूँ जो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य और प्यार नहीं है, यानी उन्हें अपने जीवन में उनके लव लाइफ उनकी खत्म हो गई है, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। अधिकांश परिवारों में दोस्तों मैंने फैमिली हाउस में देखा है पति पत्नी कुछ समय के बाद उनका आकर्षण खत्म हो जाता है और वो मात्र उनका रिश्ता केवल पति पत्नी बनकर रह जाता है, घर में एक 2 सदस्य जैसे रह रहे हैं, उनके बीच में आकर्षण और प्यार खत्म हो जाता है, परेशान होते रहते हैं, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहती है पति नहीं सुनता। ऐसा आपका शुक्र का कमजोर हो जाना और केतु का नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में बढ़ जाना है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, आप दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति में रहने लगते हैं। तो पहला डेली आपको 6 नंबर यानी 6 का अंक अपने लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर रेड कलर के पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। 6 नंबर लिखिए, साथ में ही 43 दिन लगातार
गौमूत्र मंगा लीजिए, उसमें जितना गौमूत्र है उतना ही उसमें सादा जल मिला लीजिए। 43 दिन लगातार अपने पूरे घर में इसको हर कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए सुबह के समय। ये उपाय आप 43 दिन करिए, आपके घर का जैसे ही केतु शांत होगा और शुक्र की आपकी प्रबलता बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में प्यार और रोमांस बढ़ने लगेगा और आप पाएंगे कि चीज़ें आपके अनुकूल होने लगी हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों, मैंने धन वर्षा पोटली इस बार दीपावली पर देने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए, कर आपको देने के लिए मैंने आप लोगों से बुकिंग मांगी है। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे ये धन वर्षा पोटली लेना तो मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए या मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपनी बुक कराने के लिए, क्योंकि मैंने मात्र 50 पोटलियों को ही अभिमंत्रित करूंगी। दीपावली तक पहुंच पाए उसके लिए मैं अभी से ये प्रोसीजर कर रही हूं, जिसे अभिमंत्रित भी करना होगा। इन्हें प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद आपको कैसे रखना है वो सभी कुछ आपको विधि आपको वीडियो में बताऊंगी, जो कि आपको जो मुझसे खरीदेगा उसे पोस्ट करूंगी। तो आप मुझे अभी से अपनी बुकिंग कराइए, जिससे कि आपको पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति आपके लिए बन जाए। इसके साथ ही दोस्तों, 3:11 पर मेरा वीडियो अपलोड होता है, जो किसी ना किसी समस्या पर आधारित होता है जो कि आपके जीवन में चल रही है, और उसमें ग्रहों को जोड़कर मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो प्लीज़ उन्हें भी आप पूरी श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में करते हैं तो ना भी आप अपनी कुंडली दिखा पा रहे हो फिर भी आपके जीवन से समस्याएं गायब होने लगती हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ में मेरे उपायों को कीजिए। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के वीडियो में ही कमेंट में आप लिखिए आपको क्या जानना है। फ्री कुंडली विश्लेषण करती हूँ संडे वाले वीडियो में, मैं फ्री कुंडली विश्लेषण करके आपको उपाय देती हूँ, तो वहाँ भी आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन मुझे सेंड करते रहिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपको संडे वाले वीडियो में वो आपका आंसर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में सदैव तरक्की करें, ऐसी आपके लिए कामना करती हूँ।